ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि होने जा रहे हैं मार्गी। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं कि शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं 23 अक्टूबर 2022 से लेकर और 17 जनवरी 2023 तक अगर देखा जाए तो शनि देव मकर राशि के अंदर ही रहेंगे और यहाँ पर मार्गी रहेंगे, जिस कारण से अगर देखा जाए तो जो 6 राशियाँ हैं उनकी रूठी हुई किस्मत बदल जाएगी और 3 राशियों को अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। अब वो कौन कौन सी 6 राशियां हैं जिनकी रूठी हुई किस्मत बदल जाएगी और कौन सी ऐसी 3 राशियां जिनको अच्छा बुरा फल मिलेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शनि 23 अक्टूबर को 24 डिग्री के अंदर रहेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर रहेंगे, ये मंगल का नक्षत्र है और देखा जाए तो इसकी वजह से जो देखा जाए मेष, वृष और कर्क, सिंह, तुला और वृश्चिक राशि, ये जो 6 राशियां इन पे बहुत अच्छा प्रभाव शनि मार्गी के बाद से कार्य में, करियर में, आपके काम में शुरू हो जाएगा। और धनु, मकर और कुंभ, ये 3 राशियां हैं जिन्हें मिक्स मैच यानी मिला जुला फल मिलने वाला है। चलिए इस कार्यक्रम में जानते हैं वो 6 राशियां और 3 राशियों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि पे देखा जाए तो लास्ट फेज की देखा जाए 7.5 रहेगी, जो कि हाथ पैरों में और स्वास्थ्य के लिए थोड़ा परेशानीदायक है, यानी हाथ पैरों में दर्द की समस्या, सर में अजीब सा प्रेशर, नींद में प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की समस्या रहेगी। और आपकी राशि से देखा जाए तो शनि जो है, कहा भी जाता है कि जाते जाते शनि धन देके जाता है, तो आपकी राशि से शनि धन भाव में बैठा है। ये स्थिति बहुत अच्छी है, रुका हुआ धन आपका का मिलेगा, धन का फ्लो अब आपका 23 अक्टूबर के बाद बढ़ने लगेगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में, यानी कि चतुर्थ भाव स्थान का होता है, तो स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं, या भूमि संबंधी कोई ना कोई काम धनुराशि वाले का होगा, या कुछ धनु राशि वाले वाहन का के बारे में सोच रहे हैं, तो वाहन खरीदने के योग भी इस स्थिति में बन रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 9वां भाव पिता का होता है, तो पिता को उनके कामों में लाभ होगा, उनकी समस्याओं से उनका राहत होगा। और 9वां भाव है ये कहीं ना कहीं विदेश संबंधी भी कहा जाता है, तो विदेश संबंधी काम, यदि आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है, टूर एंड ट्रेवल से संबंधित है, या फिर आपका काम विदेश से संबंधित है या विदेश में जाना चाहते हैं, तो ये स्थिति धनु राशि के लिए बहुत बेस्ट है। 23 अक्टूबर के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये स्थिति स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं और 23 अक्टूबर के बाद है तो सफलता के बहुत अच्छे चांसेस है। शनि की अगर देखा जाए तो अंतिम दृष्टि है 10वीं दृष्टि, तो 10वीं दृष्टि देखा जाए तो ये 12वें भाव में पड़ रही है, तो क्या है कि ये जो 12वां भाव है रुके हुए काम का होता है, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई काम आपका फंसा हुआ है, कोई सरकार द्वारा आपका काम फंसा हुआ, उसका काम का समाधान भी आपका 23 अक्टूबर के बाद ही मिलेगा, यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर और 17 जनवरी 2023 तक बहुत अच्छी स्थिति है। लास्ट फेज में शनि है और जाते जाते शनि बहुत कुछ धनु राशि को आप देके जाएगा। और ये तो मैंने मित्रों जनरल प्रिडिक्शन बताई है, अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है तो आपको क्या करना है, 7210124289 ये मेरा नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के और अपना मुख्य प्रश्न बोलकर आप मेरे से टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो देर ना करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।